सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत फोर्ज के कल्याणी M4 आर्मर्ड व्हीकल्स के बारे में, जिनकी खरीद के लिए अभी हाल ही में DAC ने भारत फोर्ज को 177.95 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। और जो एक कल्याणी M4 व्हीकल्स हैं, ये खास तौर पर लद्दाख जैसे हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज पर तैनात किए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस कल्याणी M4 आर्मर्ड व्हीकल्स की क्या खास बात है और चाइनीज आर्मर्ड व्हीकल्स की कंपैरिजन में ये कितना बेहतर है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो भारत फोर्ज का जो ये कल्याणी M4 व्हीकल है, ये असल में साउथ अफ्रीकन कंपनी पैरामाउंट ग्रुप द्वारा बनाए गए उनके नेक्स्ट जनरेशन के आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल, जिसका नाम है मोबम्बे 4, ये उस व्हीकल का इंडियन वर्जन है। और जिसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ पैरामाउंट ग्रुप भारत फोर्ज के साथ मिलकर भारत की कंडीशंस के अकॉर्डिंग भारत में ही प्रोड्यूस करेगी। अगर बात करें कल्याणी M4 के खास फीचर्स की, तो इसका सबसे बड़ा फीचर है इसका प्रोडक्शन लेवल। ये व्हीकल लेवल 4A और लेवल 4B की प्रोडक्शन देता है। और इस व्हीकल के साइड में अगर कोई 50 किलोग्राम तक का TNT या फिर कोई IED या रोड साइड बॉम्ब ब्लास्ट भी होता है, तो उस ब्लास्ट को भी ये व्हीकल आसानी से हैंडल कर सकता है। और आप इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक कायरतापूर्ण आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे करीब 40 CRPF जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो उस हमले में भी आतंकियों द्वारा 40 किलोग्राम तक की IED का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि इसके माध्यम से हम बस आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो एक कल्याणी M4 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, ये पुलवामा जैसे आतंकी हमले को भी आसानी से झेल सकते हैं। और इस व्हीकल के इसी हाई लेवल के प्रोटेक्शन के आधार पर आप ये भी कह सकते हैं कि एक कल्याणी M4 एक अच्छा खासा चलता फिरता किला है, एक ऐसा किला जिसे भेद पाना बेहद ही मुश्किल है। अगर बात करें इसकी अन्य खासियतों की, तो इस व्हीकल पर 10 किलोग्राम के एंटी टैंक माइन का भी असर नहीं होता है। इस पर मशीन गन के फायर का भी कोई असर नहीं होता है। इसमें जो ग्लास इस्तेमाल किए गए हैं वो इतने मजबूत हैं कि उनमें स्नाइपर या एंटी मटेरियल राइफल के फायर को भी झेलने की कैपेबिलिटी है। इसके अलावा इसमें 2 टन तक के लोड को कैरी किया जा सकता है और इसमें क्रू मेंबर्स के साथ 2+8 यानी कि टोटल 10 पर्सनल्स को कैरी करने की कैपेबिलिटी है। इसकी जो मैक्सिमम रोड स्पीड है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ 600 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। अगर बात करें इसके इंजन की, तो इसमें पावरफुल 6 सिलेंडर वाला टर्बो डीजल इंजन इस्तेमाल किया गया है और इसका इंजन इंडियन आर्मी के सर्विस में मौजूद अन्य आर्मर्ड व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन की तुलना में 2 गुना ताकतवर है। इस व्हीकल को -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। और ये एक मोनोकॉक डिजाइन के साथ आता है, यानी कि इसके सारे सिस्टम्स इस व्हीकल के अंदर ही फिट किए गए हैं। इसका एक मतलब ये भी है कि इस व्हीकल के जो आर्मामेंट है, उन्हें ऑपरेट करने के लिए बाहर आने की जरूरत नहीं है, अंदर से ही वो ऑपरेट हो सकते हैं। बाकी CBRN प्रोटेक्शन किट, फायर सप्रेशन सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, रेडियो इंटरकम्युनिकेशन सिस्टम, बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम और सेंट्रल टायर इन्फ्लेशन सिस्टम जैसे एडिशनल फीचर्स भी दिए गए हैं। बता दें कि जो ये सेंट्रल टायर इन्फ्लेशन सिस्टम है, इसकी खास बात यह है कि अगर इस व्हीकल के टायर को गोली मारकर पंक्चर करने की भी कोशिश की जाती है, तो इस सिस्टम की मदद से ये व्हीकल अपने टायर के प्रेशर को फिर भी मेंटेन रख सकता है। और इस सिस्टम के होने का एक खास फायदा ये भी है कि इस व्हीकल को खराब से खराब इलाके पर भी आप आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि भले ही कल्याणी M4 साउथ अफ्रीका के मोबम्बे 4 पर ही आधारित है, लेकिन फिर भी ये उससे काफी अलग है, क्योंकि इसमें पैरामाउंट ग्रुप और भारत फोर्स दोनों की ही टेक्नोलॉजीज और एक्सपर्टीज इस्तेमाल हुई हैं। और कल्याणी M4 एक तरीके से मल्टी रोल हाईली डायनेमिक माइन प्रोटेक्टेड आर्मर पर्सनल कैरियर में आता है। कल्याणी M4 की डिच क्रॉसिंग एबिलिटी 850 mm की है, यानी कि 850 mm के गड्ढे या खाई को आसानी से पार कर सकता है। और अगर इसे कंपेयर किया जाए चाइनीज आर्मर्ड व्हीकल से, लेकिन इससे पहले अगर आपको यहां तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो अभी जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव बढ़ा था और खास करके गलवान घाटी पर, तो उस दौरान जो वीडियोस सामने आई थी, तो उनमें हमें चीन की तरफ से US के हम्वी व्हीकल का चाइनीज वर्जन देखने को मिला था, जिसे आप चाइनीज हम्वी भी कह सकते हैं। और अगर आप उस चाइनीज हम्वी को कल्याणी M4 से कंपेयर करेंगे, तो इंजन के मामले में जो चाइनीज हम्वी है उसमें 8 सिलेंडर वाला टर्बो 4 डीजल इंजन है, वहीं कल्याणी M4 में 6 सिलेंडर वाला टर्बो डीजल इंजन है। चाइनीज हम्वी एक ड्राइवर को मिलाकर टोटल 4 पर्सनल को कैरी कर सकता है, तो वहीं कल्याणी M4 में ये कैपेसिटी 10 की है। इसके अलावा चाइनीज व्हीकल्स की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है, वो भी कल्याणी M4 की तुलना में काफी कम है, क्योंकि कल्याणी M4 2 टन से भी अधिक के वजन को कैरी कर सकता है।
और प्रोटेक्शन लेवल के मामले में भी कल्याणी M4 चाइनीज व्हीकल से आगे है। लेकिन अगर चीन की तरफ कल्याणी M4 का सबसे करीब का कॉम्पिटिटर देखा जाए तो वो होगा चाइनीज आर्मी का नया डोंगफेंग मेंगशी। और इस डोंगफेंग मेंगशी के कई अलग अलग वेरियंट भी हैं, लेकिन डोंगफेंग मेंगशी एक थर्ड जनरेशन का व्हीकल है। बाकी अंत में हम बस ये कहना चाहेंगे कि इस बात में कोई डाउट नहीं है कि ये नेक्स्ट जनरेशन का आर्मर्ड व्हीकल कल्याणी M4 लद्दाख जैसे मुश्किल इलाकों पर भी हमारे ट्रूप्स की मूवमेंट में काफी मदद करेगा। और ये व्हीकल न केवल IED जैसे ब्लास्ट से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है, बल्कि एक जबरदस्त स्पीड के साथ इसकी जो मेंटेनेंस है वो भी आसान है। और ये एक ऐसा व्हीकल है जिसमें परफॉर्मेंस और हमारे ट्रूप्स की सुरक्षा दोनों का पूरा ध्यान रखा गया है। यानी कि पूरी कोशिश की गई है कि ट्रूप्स को प्रोटेक्शन देने के साथ साथ इसकी परफॉर्मेंस में भी किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही कोई भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल में अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।